लोग, सतना वालों क्या हाल है आप सबके? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के सतना के आप सबसे मिलके, और यहाँ पे जो सनसेट ट्रॉफी का 2024 का मैच चल रहा है वो देख के मेरे को पता लगा कि यहाँ पे 500 टीमों ने भाग लिया और अभी यहाँ तक के टूर्नामेंट पहुंचा है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं, और सतना वालों को, जितने भी यूथ हैं यहाँ पे, जवान हैं या बड़े जो भी हैं सारे, कि खूब बड़े सपने लें और उससे बड़ी मेहनत करें। सपने ज़रूर पूरे होते हैं, हम भी एक छोटे घर से आए हैं सारे और सपने लेके आए थे, और आज अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊँ तो मैं भी ऐसी ग्राउंड पे खेल रहा था, आज 25 साल के बाद मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो वो सिर्फ सपनों और मेहनत की वजह से है। तो बड़ा सोचना ज़रूरी है और उसके साथ बड़ी मेहनत करना भी ज़रूरी है, और खूब तरक्कियाँ करो, खूब ऊँचाइयाँ छुओ, अपने और अपने परिवार का खूब ख्याल रखो। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ, थैंक यू। एक ऐसे युवा खिलाड़ी को जिसने भारतीय टीम में बहुत, सबसे पहले तो यार सतना में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ के जो प्यार मिला, जो आशीर्वाद मिला, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमें इतना प्यार और सम्मान मिलता है। जैसे 2024 की सांसद खेल टूर्नामेंट में बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, वो देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ पर पार्ट लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हार जीत तो चलती रहती है लेकिन खेलना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स ने जो खेले उन सब के लिए तालियां, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट मिस्टर आर ट्रॉफी ऑर्गेनाइजर बजाइए इनके लिए, बहुत शुक्रिया। सबसे खेल ट्रॉफी 2024 में हमें शिखर और पार्टी बुलाने के लिए, सबसे पहले यहाँ के एमपी साहब गणेश सिंह जी का और पवन अंकल का भी मैं बहुत सारा आभार करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से हम सतना देख पाए, सतना कैसा है और आप लोगों से मिल के पाए, और यहाँ पे मंच पे बाकी उपस्थित जो प्रशासनिक लोग हैं, पत्रकार बंधु, और जिन्होंने ये कराटे का खेल भी हम लोग को दिखाया, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपको सबको बता दूँ, जो शिखर ने, हमारे नेता बेसिकली शिखर ने ये बात पॉइंट आउट किया कि ऐसी पृष्ठभूमि से निकल कर हम सब भी आगे बढ़े हैं, तो सपने देखना जरूरी है, और सपनों को पाने के लिए थोड़ी बहुत आपको संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा भाग्य का भी साथ चाहिए, इसके लिए थोड़ा आपको कुछ अपने ऊपर विश्वास दिखाना पड़ता है, शायद हमने किया इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे, और हम आगे भविष्य में देखना चाहते हैं कि ऐसी और सारी प्रतियोगिताएं होती रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर खेलने का मौका मिले, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, क्योंकि कई सारे अभी हम लोग मैच देख रहे थे, कीपर ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा जो हम सबने अप्रिशिएट किया, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे और आयोजन होते रहेंगे और बहुत सारी प्रतिभाएं बाहर आती रहेंगी, और हो सकता है आने वाले समय में जैसे रीवा के कुछ बच्चे रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, भारतीय टीम का हिस्सा बने हैं, मैं किसका नाम भी आपको बताइए, वैसे उसके बगल में सतना के शायद भविष्य में इन्हीं प्रतिभाओं को एक मंच मिले और उस मंच के सरपंच बन के निकले वो, तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है, और आने वाले समय में अगर मौका मिला दोबारा सतना आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सपने दिखाने की बात कही है तो मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसले से ऊंची उड़ान होती है। इन ऊंचे हौसले वाले खिलाड़ियों को हम हृदय से स्वागत करते हैं, और एक प्रार्थना है, जो विनर्स रनर्स टीम है, 8 खेलों का आयोजन हुआ है, वहाँ आपको हमारे अतिथियों के साथ फोटोग्राफ्स हैं, जो सब लोग रनर्स विनर्स टीम है वहाँ शीघ्रता से पहुंच